हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इस सीरीज़ के माध्यम से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक और BCA फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट फर्स्ट के लास्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स। यह टॉपिक BTech, BCA, BSc मैथमेटिक्स, BSc CS आदि सभी कोर्सों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम इस सीरीज़ के माध्यम से आपके साथ डिस्कस करेंगे आइगन वैल्यू क्या होता है, किसके लिए निकाला जाता है, आइगन वेक्टर क्या होता है, किसके लिए फाइंड किया जाता है और कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, आइए देखते हैं। लेट कैपिटल ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन, देन अ नंबर रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, देन अ नंबर लैम्डा इज सेट टू बी आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इफ देयर एग्जिस्ट अ कॉलम मैट्रिक्स एक्स ऑर्डर एन बाय वन सच दैट ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स, जहां पे स्टूडेंट लेमडा को बोलेंगे आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए एंड ये कैपिटल एक्स होगा जो कि कॉलम मैट्रिक्स है एन बाय वन ऑर्डर का, उसे बोलेंगे आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है स्टूडेंट, कहने का मतलब ये है, इट मीन्स दैट किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए कोई नंबर लैम्डा आइगन वैल्यू होता है अगर एक कॉलम मैट्रिक्स एक्स इस तरह से एग्जिस्ट करे कि ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स हो। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी को थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। ठीक हो जाएगा स्टूडेंट, अब हम जब लैम्डा एक्स को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा ए एक्स माइनस लैम्डा एक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ पर हमने क्या करा, एक्स को कॉमन लेके बाहर कर दिया, तो ए माइनस लैम्डा आई इक्वल ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, ये आपका आइगन वेक्टर फाइंड करने का इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए हम एक क्वेश्चन लेते हैं 2x2 मैट्रिक्स का और उसमें के जरिए हम ये बताएंगे किसी भी 2x2 मैट्रिक्स का हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट कि डिटरमाइन द आइगन वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 3 2 2। ठीक है स्टूडेंट, आइए इसका सोल्यूशन के बारे में बात डिस्कस करते हैं। तो लिखिए राइट डाउन, सबसे पहले हम लिखेंगे द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू जीरो। ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, एक इक्वेशन होता है। तो स्टूडेंट अब इसमें हमें क्या करना है, जो मैट्रिक्स दिया है उसके डिनोमिनेटर में लेमडा को माइनस करेंगे, सॉरी जो मैट्रिक्स दिया गया है उसके डायगोनल एलिमेंट में हम लेमडा माइनस करेंगे। तो डायगोनल एलिमेंट स्टूडेंट ये होता है 1 और 2, ये डायगोनल एलिमेंट है, इसमें लेमडा माइनस कर देंगे। तो देखो 1 माइनस लेमडा 2 सेम रहेगा, 3 सेम रहेगा और 2 माइनस लेमडा, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट में माइनस करेंगे लेमडा को। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 1 माइनस लेमडा 3 2 और 2 माइनस लेमडा इक्वल टू जीरो। इसे एक्सपेंड करेंगे, अब जानते हैं स्टूडेंट 2x2 के डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो एक ब्रैकेट बनाएंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस। तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई माइनस लेमडा में करेंगे माइनस लेमडा हो जाएगा, माइनस लेमडा का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो -2 लेमडा हो जाएगा, और माइनस लेमडा का मल्टीप्लाई लेमडा में करेंगे तो +λ² हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई हमने यहाँ कर दिया, उसके बाद माइनस लगा दिया, उसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 3 का 2 में करेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा इक्वल टू जीरो। अब इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो λ² हाइस्ट पावर है, पहले लिख दिया -λ और -2λ ऐड होकर के -3λ हो जाएगा, -6 में से +2 जाएगा तो -4 होगा इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया लेमडा के फॉर्म में, इसे हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। आइए फैक्टर करते हैं, अब -4 का ऐसा फैक्टर करेंगे जिसे हम अगर माइनस करें उन फैक्टर का तो 3 के इक्वल आए, तो 4 1 4 तो हो जाएगा λ² माइनस ब्रैकेट में 3 के प्लेस पर लिख देंगे 4 माइनस 1, इसे सॉल्व करेंगे तो 3 ही आएगा, ब्रैकेट क्लोज, λ और -4 इक्वल टू जीरो।
लेमडा स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस फोर लेमडा और माइनस माइनस प्लस वन लेमडा, वन लिखते नहीं हैं, ये अंडरस्टूड होता है, माइनस फोर इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टू में कॉमन अलग लेना है और लास्ट के टू में कॉमन अलग लेना है। तो लेमडा स्क्वायर माइनस फोर लेमडा में लेमडा को कॉमन लेंगे तो यहाँ से लेमडा स्क्वायर में लेमडा कॉमन लेंगे लेमडा बचेगा, माइनस फोर लेमडा में लेमडा कॉमन करेंगे तो माइनस फोर बचेगा, बीच में प्लस है, प्लस लगा दिया। अब लेमडा माइनस फोर में कोई भी कॉमन नहीं है तो हम वन कॉमन लेते हैं, वन कॉमन ले लिया तो यहाँ से बच गया लेमडा, यहाँ से बच गया माइनस फोर। आगे से और सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है आइए देखते हैं, इसको आगे देखते हैं स्टूडेंट कि इसके आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। अब हमें क्या करना है, देखो ध्यान से कि यहाँ पे भी जो है लेमडा माइनस फोर है, यहाँ भी लेमडा माइनस फोर है, तो हमने लेमडा माइनस फोर को कॉमन ले लिया, और तो जब लेमडा माइनस फोर कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा लेमडा और यहाँ से बचेगा प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब देखिए स्टूडेंट, अब जब हम लेमडा माइनस फोर इक्वल टू, यहाँ देखिए लेमडा माइनस फोर इक्वल टू जीरो करेंगे तो लेमडा इक्वल टू माइनस फोर राइट साइड में आ जाएगा तो प्लस फोर हो जाएगा, और जब लेमडा प्लस वन इक्वल टू जीरो सॉल्व करेंगे, लेमडा प्लस वन इक्वल टू जीरो तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन राइट साइड में, प्लस वन राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस वन बचेगा, तो हमारा आ गया लेमडा इक्वल टू फोर एंड फोर एंड माइनस फोर एंड माइनस वन आ गया। तो हेंस आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स इज लेमडा इक्वल टू फोर एंड माइनस वन। तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा क्या आ गया, आइगन वैल्यू आ गया। अब हमें आइगन वेक्टर निकालना है करस्पॉन्डिंग फोर के भी और माइनस वन के भी, तो हेडिंग डालेंगे केस फर्स्ट डालेंगे, लिखेंगे आइगन वेक्टर एट लेमडा इक्वल टू फोर। आप चाहे फोर पे पहले निकालो या माइनस वन पे निकालो, लेकिन निकालना दोनों पे ही है आइगन वेक्टर, ठीक है स्टूडेंट, ये हेडिंग हो गया केस फर्स्ट में। अब लिखेंगे यहाँ पे लेट एक्स इक्वल टू, क्योंकि जो आइगन वेक्टर होता है वो कॉलम मैट्रिक्स होता है, तो हमने लेट कर लिया कि लेट कैपिटल एक्स इक्वल टू, एक कॉलम मैट्रिक्स कर लिया एक्स वन एक्स टू, क्योंकि इसमें टू बाई टू का मैट्रिक्स है, तो हमने टू एलिमेंट को कॉमन मतलब लेट किया इधर, इज आइगन वेक्टर एट लेमडा इक्वल टू फोर। देन अब जो है आइगन वेक्टर का फॉर्मूला होता है फाइंड करने का, ए माइनस लेमडा आई ब्रैकेट क्लोज एक्स इक्वल टू जीरो, इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। अब देखो लेमडा की जगह हम लेमडा की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा ए माइनस फोर आई ब्रैकेट क्लोज एक्स इक्वल टू जीरो। अब हमें जो हमारा मैट्रिक्स दिया है क्वेश्चन में उसके डायगोनल एलिमेंट में फोर माइनस करेंगे, तो यहाँ देखिए स्टूडेंट हमारा जो मैट्रिक्स था वो था वन टू थ्री टू, तो यहाँ पे जब वन में माइनस फोर करेंगे तो माइनस थ्री आ जाएगा, यहाँ पे टू में माइनस फोर करेंगे तो माइनस टू बचेगा, तो बचेगा माइनस थ्री टू थ्री माइनस टू। तो ये आपका जो मैट्रिक्स हुआ स्टूडेंट वो हो गया आपके सामने माइनस थ्री थ्री और टू माइनस टू, और कैपिटल एक्स ये जो है मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू एक्स वन और एक्स टू हमने लेट करा इक्वल टू जीरो। अब हमें क्या करना है, किसी एक रो को जीरो करना है, तो आप देखिए अगर हम R2 में R1 को प्लस करें तो R2 जीरो हो जाएगा, तो अप्लाइंग R2 यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं, तो R2 टेंस टू R2 प्लस R1, तो R1 में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो R1 को हमने कॉपी कर लिया, माइनस थ्री और टू हो गया। अब R2 में हम R1 को ऐड करें, थ्री में माइनस थ्री ऐड करेंगे जीरो आ जाएगा जीरो लिख दिया, माइनस टू में टू ऐड करेंगे तो जीरो आएगा जीरो लिख दिया, और हमारा ये मैट्रिक्स x1 x x2 इक्वल टू जीरो। अब हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री एक्स वन माइनस थ्री एक्स वन प्लस टू एक्स टू इक्वल टू जीरो। अब हमने टू एक्स टू को राइट साइड शिफ्ट करा तो माइनस थ्री एक्स वन इक्वल टू माइनस टू एक्स टू हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब हम टू जब लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो अपॉन में हो जाएगा, और थ्री को हम जब राइट साइड में ले जाएंगे तो ये भी अपॉन में हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स वन और टू इधर आकर के अपॉन में हो गया अपॉन टू इक्वल टू एक्स टू अपॉन थ्री इक्वल टू के। आप लेट कर सकते हैं इससे, इसे हम से करेंगे इक्वल टू के। तो यहीं पे देखो हमारा एक्स वन की वैल्यू टू आ गया और एक्स टू की वैल्यू थ्री आ गया, तो लिखेंगे हैंस आइगन वैक्टर एट लेमडा इक्वल टू फोर इज, हमने लेट किया था कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स वन एक्स टू, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू 2 आया है, x2 की वैल्यू 3 आया है इक्वल टू k, x1 की जगह x1 की वैल्यू 2 और x2 की जगह x2 की वैल्यू जो कि 3 है। आप किसी किसी बुक में k आपको मिलेगा, किसी किसी बुक में k नहीं मिलेगा, तो आप k लगा भी सकते हैं, k हटा के भी सिर्फ लिख सकते हैं 2 और 3। k एक रेशियो होता है, इसमें आप 1 रखेंगे तो 2 3 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 6 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 6 9 आ जाएगा। ऐसे हमारा जो आइगन वेक्टर आता है वो एक कॉमन रेशियो में आता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए हम बात करते हैं, हमने फोर पे निकाल लिया, अब हम फाइंड करेंगे आइगन के सेकेंड आइगन वेक्टर एट लेमडा इक्वल टू माइनस वन।
लिखेंगे लेट x इक्वल टू एक कॉलम मैट्रिक्स x1 x2 इज आइगन वेक्टर एट लेमडा इक्वल टू माइनस वन, देन जो आइगन वेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला है स्टूडेंट वो होता है a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, लेमडा की वैल्यू यहाँ पे माइनस वन है तो जब लिखने यहाँ आएंगे तो माइनस पहले माइनस माइनस प्लस वन आई बचेगा तो वन लिखते नहीं है तो ए प्लस आई इंटू एक्स इक्वल टू जीरो। तो हमारा जो मैट्रिक्स था स्टूडेंट उसमें हमें क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट में हमें डायगोनल एलिमेंट में क्या करना है, वन प्लस करना है। देखो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट हमारा वन और टू है तो यहाँ पे वन ऐड करेंगे तो ये टू हो जाएगा और ये थ्री हो जाएगा। तो हमारा जो मैट्रिक्स मिलेगा वो मिलेगा स्टूडेंट टू थ्री इंटू एक्स वन एक्स टू इक्वल टू जीरो। तो अब हमें आर टू को जीरो करना है तो अप्लाइंग आर टू टेंस टू टू आर टू माइनस थ्री अपॉन टू आर वन, कहने मतलब आर वन में थ्री अपॉन टू से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टू से टू कट जाएगा यहाँ थ्री बचेगा और यहाँ जब करेंगे तो टू से टू कट जाएगा और थ्री बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें पहले आर वन में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं तो आर वन तो सेम कॉपी कर लिया टू और टू। अब आर वन में थ्री बाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, देखो आर टू थ्री माइनस आर वन मतलब टू इंटू थ्री बाई टू, तो जब टू से टू कटेगा तो सिर्फ थ्री बचेगा, थ्री माइनस थ्री जीरो आ जाएगा, ऐसे इसमें मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा, जीरो आएगा स्टूडेंट। उसके बाद हम क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो का जब फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, आइए देखते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके सामने। तो जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा टू एक्स वन प्लस टू एक्स टू इक्वल टू जीरो, एक्स टू को राइट साइड शिफ्ट किया तो टू एक्स वन इक्वल टू माइनस टू एक्स टू हो जाएगा, टू से टू कैंसिल, चलो आप अपॉन में करेंगे तो एक्स वन इक्वल टू ये टू आके अपॉन में हो जाएगा, ये वाला टू इधर ले जाएंगे तो अपॉन में हो जाएगा। अब टू टू से कट कर देंगे टू वन जै टू टू वन जै टू, तो आ गया एक्स वन अपॉन वन इक्वल टू एक्स टू अपॉन माइनस वन, ये वाला माइनस हमने नीचे लगा दिया, आप लगा सकते हैं इक्वल टू के लेट कर लिया या मान लिया। हेंस आइगन वेक्टर एट लेमडा इक्वल टू माइनस वन इज एक्स इक्वल टू क्या होता है कि आप लगा भी सकते हैं, आपकी इच्छा है आप इसे ना भी लगाएं तो चलेगा। एक्स वन की वैल्यू वन आया तो वन लिख दिया, एक्स टू की वैल्यू माइनस वन आया तो वन लिख दिया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये होमवर्क है आपका, तीन क्वेश्चन हमने होमवर्क दिया, प्रॉब्लम नंबर टू, प्रॉब्लम नंबर थ्री, प्रॉब्लम नंबर फोर। इसे आप जो है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करिएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज हमने आपके सामने डिस्कस किया, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स के लेक्चर फर्स्ट में सबसे पहले डिस्कस किया कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर क्या होता है और क्यों यूज़ किया जाता है, और एक हमने टू बाई टू का क्वेश्चन लिया उसे सॉल्व करके दिखाया। आई होप आपको ये पसंद आया होगा वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। स्टूडेंट इसके सेकंड लेक्चर में हम बात करेंगे कि 3x3 का कोई मैट्रिक्स है तो उसका आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कैसे निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।